अरे बाप से के कम पर ऊपरा भी उसने वो दुंदी से दीवानी से न्यू यूरोपियन ना इंडो एरियन ना अपना कुछ ट्रेन भी है ना कलंडर भी रही ना नाम भी रही इंडिया और ट्रैवल ठीक है डील रोज बात करो कि तक सीनियर डॉक्यूमेंट ने धोखा पहले परसेंट कर डब हम किसी नाम ना तो बेचार बुधवार की शीर्ष तो का पार दी पार पार दी ये तो मैं एक रोमीना बदर दी बल्कि वरद सीन अलग बागे हैं लोग वहाँ उसी का कोई ब्लूच है लोग तो उसे ब्लूच चाहता है पश्चिम गल उपनुम दरिया पाने कहने जो अपने डबल जब पश्चिम गल में अपन देवर वेदी उपनुम में पता ये देख लिया कस्ते में दरबारी रात की क्या उसका कस्ते इंतहाई दिल टीम साउथ जन्नर रात बुता तो बदल दिन बुता ये वहाँ के नाम ने ये रत्ता ये शम्स अदीला और पता देवा कर तो रवै कस्ते वो लोअर जाब जाब ऐसे फिर पूछा बड़ी बुतगा लेडी बुतगा होता थे डोम की बुतगा और 2020 या तो कस्ते बगत तक से बुटिया दिख रहे बगत दो बुक दो डोब को डोब की गबोलो गबोल लेडियो लेडी और ऐसे जो ट्राई बुत का 2020 डॉक्यूमेंट जा असली ने बोल रहे यकी ने तो अगर वो इशारे के मुझे निकलते वो हमें ट्रैवल नाम के ऐसा ये ईरानी ने न डीएनए ये डीएनए सब बेचारे बोलो चाहे कस्ते हम बुनियाद गुजार रहे हैं उसका कस्ते के पीर की MTDNA माती MTDNA उसे बात है नगर में तो डब्ल्यू ए वेस्टर्न एशिया है कस्ते वो जी ने ईरानी ने कस्ते मस्तरे जी एच है बोलो चाहे वो बोलो चाहे तो का एच लगा ही और ये दफा तो बोलो चाहे तो का कस्ते कम वो साउथ एशियन ब्लड हम कोने को बोलो चाहे तो का ब्रागिया नहीं बारा उसे बाद रहता बोलता तो ब्रागिया सब मौजूद है बाद वो कस्ते बाद रहता पूछा कि बाद पूछा कि नहीं बोलो तो अरब ईरानिया बोलो चाहे तो का कस्ते अरब है मोन कस्ते चबरागिया कम में वन पर्स सिक्स बोलो चाहे तो का ब्रागी तो का 4.6% हाँ मकरण है तो का अरब है मोन दिया था मकरण तो इधर है मकरण पता ही रंदा कस्ते ये दा वामे इस्लाम आएगा फर्द कस्ते अरब की याद का ना मतलब हम मकरण है गवर्नर वगैरह ईश्वर अपना नाम बुद्ध का बाकी ओवर है बोलो चाहे होने तो का अरब नहीं अच्छा ब्रावी स्वागत भाई कुछ के जी कस्ते वो मेरे घर से रिलेशन कस्ते ब्रावी वो इंडस जैसे तू का तो साउथ एशियन ब्लड गेस करे मेरे ब्राव ये तू का ब्लोचा छे कब में साउथ एशियन ब्लड ब्लोचा तू का मेरी कल 30 35 पॉइंट सम ए साउथ एशियन ब्लड ब्राव ये तू का 33 पॉइंट सम समथिंग ब्राव ये अंदर कम में साउथ एशियन ब्लड कि तो जी इंडस एवर से इंडस में जैसे कुत्ता द्रावण ईच ने कुत्ता कौन है कंसेप्ट है कौन है चीज का कस्ते तो सब सारी चीजें तो कस्ते वो कस्ते रोमोस का लगा है तो इससे ही नहीं है तो लैंग्वेज तो नंबर है कल्चर तो वेस्टर्न एशिया तो सज्जे तारीख का भगवान तो ये द सुमेरियन है सुमेरा पद का डी नसीरियन बाबरियन पद कस्ते एनाटोलियन वो हत्ते हिटाइट और पद कस्ते गुतियन और कैसाइट और एलामाइट तो भगवान ने सच्ची का कस्ते को नानीरियन ना ईरानी तो रदात का तकरीबन कस्ते अमावा दात का 920 ईसा कस्ते डायनेस्टी टाइप का मीडियन डायनेस्टी मीडियन ने बारा मां मतलब से मना को मान भी कि मीडिया ने ईरानी दिया बाद से ईरानी भले हैरो तो चंद्रस्ता कर दिए यानी लबास यानी कसने वेस यानी सला ईरानी ने वादिक थी लबास ते कसने वो सला हिच ईरानी ने तो जो ईरानी ये मिल ये ईरानी ने ने दे बड़ा खूबसूरत ड्रेस है बुता ये द्रोह सला पदा बुत ने ओ हम किसी नाम ना तो बेचारा बुदान की शीर्ष तो का पार दी पार दी ये तो मैं एक प्रोफेसर की उसके तो सुद्ध शब्द अदीना बदर दी बल्कि वरद सीन अलग बागे अलग वहाँ उसी का कोई ब्लूच है अलग है जो क्या ब्लूच चाहता है पश्चिम गल उपनु दरिया कहने कहने जो अपने डबल जब पश्चिम गल पे अपन देवर वेदी उपनु में पता ये देख लिया कस्ते में दरबारी रात की क्या उसका कस्ते इंतहाई दिल स्टीम साउथ जन्नर रात स्टीम ये तो ब्लूच है पता आज तो इतिहादीय मर्द भी है बड़ी कहना चाहिए इतिहादीय बुद्ध का आरामी इतिहादीय बुद्ध का शर्म तो कस्ते यूनियन बुद्ध का इतिहादीय बुद्ध का तो सजी ना लिखी ना रिंदला शर्म के मेडिट थे का तो यूनियन बुद्ध का आपके रिंद सपोर्ट कर रिंद यूनियन ना बुद्ध का आपके राष्ट्र सपोर्ट का ओमरान ये देखो दिन जैसे बाव की रंदी फना बनाया कि चलो चुकते शिंशाम बुद्ध का हिस्टोरिकली बलुच कस्ते वो बागेदा वो तो सियाल है सियाल राजा आज का ये जो प्रोग्राम है दो रोज़ा सेमिनार है बलूची एकेडमी की तरफ से बलूची क्लासिकल शायरी पे इस पे हमने पूरे मुल्क से इस्लामाबाद तुरबत ग्वादर खारान दालबंदेन
इधर क्वेटा और बुलसान के मुख्तलिफ जगहों पे, बल्कि हमारे कल का जो सेशन है उसमें ऑनलाइन हम इंटरनेशनल एक दो हमारे स्कॉलर हैं वो भी गुफ्तगू फरमाएंगे बलूची क्लासिकल शायरी पे। क्लासिकल शायरी के दो रोज़ा ये जो सेमिनार है इसमें मुख्तलिफ हमने मौजूआत रखे हैं, क्लासिकल शायरी में बलूच हिस्ट्री, क्लासिकल शायरी में बलूच रवायात रवाज, क्लासिकल शायरी में तारीख के गोशे और क्लासिकल शायरी का ज़ुबान बयान और क्लासिकल शायरी का इस्तियाराती और फिगरेटिव जो बुनियादें हैं उस पर हमने ये गपशप होती रहेगी। बलूची एकेडमी चूँकि इस वक्त समझती है कि वे इस सिलसिले में जो मॉडर्न सिलसिले हैं वो होते रहेंगे, लेकिन चूँकि टेक्नोलॉजी के आते आते दुनिया में जो इंसानी याददाश्त पे इंसान भाई हार्टली जो चीज़ें याद रखी हैं उनको याद रखना चाहता है वो शायद टेक्नोलॉजी के तनाजुर में अब आगे चलकर वो महफूज ना हो सकें। तो बलूची एकेडमी इस सिलसिले में प्रायोरिटी के तौर पर जो बलूची कहानियां हैं लोक या बलूची लोक शायरी है, बलूचिकल क्लासिकल शायरी है जो बहुत मजबूत सूरत में मौजूद है, लोगों को जहनी तौर पर दिल ज़ुबानी याद हैं वो शायद आगे चलकर ना रह सकें। इसलिए बलूची एकेडमी कोशिश कर रही है कि इनको रिज़र्व करे और इन मामलात पे इस तरह के सेमिनार मुनक्किद करता रहे। मेरा नाम ज़ाहिदा रईसी है और मैं ज़ाहिदा रईसी राजी के नाम से लिखती हूँ और मैं ख़ुद एमफिल स्कॉलर हूँ बलूची लैंग्वेज लिटरेचर की। और आज के प्रोग्राम की सबसे बड़ी अहमियत ये है कि वो तमाम स्कॉलर्स, वो तमाम स्टूडेंट्स जो बलूची लिटरेचर को क्लासिक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाह रहे हैं, जानना चाह रहे हैं और जिनके ये समझ लें कि हमें वो मवाद या हमें वो किताबें लाइब्रेरीज़ में नहीं मिल पाती, दूसरे इदारों में नहीं मिल पाती, वो एक तरह से आज के सेमिनार से बहुत ज़्यादा बेनिफिट कैच कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, इन्हें कल रेफरेंस के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है। एक तो ये है कि बलोचों ने डिफरेंट कल्चर्स के बीच में रहने की वजह से अपने क्लासिक को बहुत ज़्यादा फरामोश कर दिया है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि दूसरे मीडियाज़ के का जो एक इन्फ्लुएंस है उसकी वजह से अपने कल्चर, अपनी चीज़ों को फरामोश कर रहे हैं। तो वो चीज़ें जो गुम हो रही हैं या हो सकता है नेक्स्ट जनरेशन तक ये चीज़ें बाकी ना रहें, तो मेरे ख़्याल से आम लोगों को इस तरह की चीज़ों में पार्टिसिपेट करना चाहिए, स्पेशली स्टूडेंट्स को पार्टिसिपेट करना चाहिए ताकि वो बाद में इन चीज़ों को आगे तक पहुंचा सकें और अपनी नॉलेज में ला सकें और फिर बाद में उनको सर कर सकें।